रमजान 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 मगफिरत का हो गया सामान फिर रब का या खास एक भी मेहमान फिर भी अस्सलाम वालेकुम फैजान रमजान अवतार ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ नबी निज़ामी हाजिर खिदमत हूँ उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे की बाबरकत सातों को समेट रहे होंगे आज सत्तईस रमज़ानबारक ख़त्म होने के करीब है गुजरने के करीब हैं हम अवतार के करीब पहुंच चुके हैं कुछ ही घंटों के बाद सत्ताईस रमज़ानबारक के बाद हम ट्वेंटी एट अट्ठाईस रमज़ान मबारक में दाखिल हो जाएंगे गालिबा एक दो या मे बी तीन रमज़ान के रोज़े हमारे पास मजीद मौजूद हैं कोशिश हमने रात भर कल भी यही की है ताकरतों की जस्तजू की है इबादात करने की कोशिश की हैं टूटी फूटी इबादत के बाद अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश की है दुआ के लिए हाथ उठाए हैं और अल्लाह से यही आरजू की है कि इज़्ज़त जो ग़लतियाँ कोताहियाँ हमसे हो गईं, जो लफ्जशें हो गईं, जो ख़ामियाँ हमसे रह गईं, दुआ के हवाले से इबादत के हवाले से हुकूक के हवाले से किसी के काम आने के हवाले से उनसे दरगुजर फरमा देना और जब कल रात भी हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो ऐसे कुछ मनाजिर थे कि जो हम गुफ्तु के दौरान भी फील कर रहे थे दुआ के दौरान भी फ़ील कर रहे थे कि लगता था कि अल्लाह रबुल्ज़त बिल्कुल सुन रहे हैं और हमारी ये दुआ कबूल हो रही है इस खूबसूरत नोट के साथ कि जब भी आप दुआ कर रहे होंगे हमें ज़रूर याद रख रहे होंगे पैगाम टेलीविज़न की पूरी टीम को हमारी इन काविशों को ज़हन में रखते हुए हमारे लिए भी दुआ करते होंगे उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के आगाज़ की जानब बढ़ते हैं और आगाज़ में आपसे गुजारिश ये मैं करता हूँ कि अपनी ज़कवात सदक़ा और इतिहात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट ज़रूर कीजिए आप हमें यूट्यूब के लाइव लिंक पर भी देख सकते हैं इस वक्त आप केबल नेटवर्क प्रोवाइडर के ज़रिए अपने टेलीविज़न सेट पर हमारी नशियात देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं मोबाइल या एंड्रॉयड टी वी पर पैगाम पर टी वी लाइव लिख कर हमारी नशे देख सकें तो ये भी मुमकिन है इसके अलावा आप किसी भी ब्राउज़र में लाइव डॉट पैगाम डॉट टी वी लिख कर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसका फ़ायदा यह है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सवाल के जवाब और दीनी शरय रहनुमाई आप तक पहुँचती रहेगी आज का जो मौजू है नमाज इस पर हम गुफ्तु करेंगे मोज मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यारह कानी साहब मरूफ कारी हैं बैन अवी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं पैगाम टेलीविजन के मुस्तकिल हमारे साथ ही इनको खुशा मददीक कहेंगे सरअल ख़ैरियत से लिल्ला। 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 आज थोड़ी दुशारी हुई आपको पहुँचने में लेकिन अलहमद मैंने तो कहा नहीं पहुँच सकता लेकिन अलहमद लाला पहुँच गए ठीक है जी इसके साथ आज की किताब है रसूल अल्लाह अल्लाह अलैहि वसल्लम के 200 सौ सुनहरे इर्शादात इसके बारे में भी हम जानेंगे हमारी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप सूफी कुकिंग ऑयल सलाम इंटरनेशनल सुपर एशिया अत्यबा इंटरनेशनल फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये नश्यात आप तक पहुँचाई जा रही हैं और जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन से हमारी अब यही रूटीन है कि हम जाते हुए अवतार से पहले दुआ के लिए हाथ उठाते हैं हम सब आज भी ऐसी दुआ में शामिल होंगे हाथ उठा के अल्लाह ताला के हजूर हाजिरी देंगे और अपनी मनाजात उनके सामने रखेंगे ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जब भी हमें कॉल करें टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद कर लिया करें एक टेक्निकल एरर जनरेट होता है कि आपकी आवाज़ फिर हम तक नहीं पहुंच पाती हम आपसे बात नहीं कर पाते तो अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दिया करें यूट्यूब के लाइव लिंक पे जब आप हमें क्वेश्चन भेजें अपनी राय से आगाह करें इंग्लिश हो तो प्रॉपर इंग्लिश में लिख लीजिए बहुत सहल हो जाता है उर्दू हो तो आप उर्दू में हमें मैसेज कर सकते हैं सलीस उर्दू में लिख दीजिए एक वक्त में एक सवाल पूछ लीजिए टुकड़ों में जब आप सवाल पूछेंगे तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा कि उसको प्रॉपर शामिल किया जा सके किसी की दिल आज़ारी करने के लिए या किसी का तमस्करु उड़ाने के लिए या किसी के साथ ऐसी गफ्तु करने के लिए प्लेटफॉर्म हरगिज़ नहीं है जहाँ पर अपने मैसेज ऐसे थ्रो कर दें उनको हम ऑटोमेटिकली शामिल नहीं करेंगे टीम मौजूद है जो फिल्टर कर देती है तो अपना और हमारा वक्त बचाइए जिम्मेदारी का एहसास कीजिए चलते हैं क़ारी अहमद यार हकानी साहब की जानब और गुजारिश है कारी साहब تلاوت قرآن کریم سے آغاز بلد. کیجئے آگے بڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وينددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب لهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطئ آتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات So माशा माशालाबहानजा कला सब अल्ला आपक ज़र फ खूबसूरत अंदाज है और हमने पूरा माँ आपके इस अंदाज का इंतजार किया आपकी अपनी कुछ मसरूफियात रही कुछ अपनी कमिटमेंट्स रहीं मुलाकात नहीं हो सकी रमजान भर नहीं मेरी मसरूफियत नहीं थी लेकिन लोगों के जो है ना वो ख्वाहिशात थी जितने भी पढ़ने वाले हैं ना तो मैंने कहा हम तो पूरा साल होते हैं इधर ही तो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हमें मौका दिया है हमें मौका दिया जाए तो मैंने कहा ठीक है अब सारे लोग जो है माशारला, ना माशा माशा उनकी दिली ख्वाहिश जो है पढ़ने की वो भी हो जाए माशा माशा जी बहुत बहुत ये भी एक मोहब्बत भरा आपका मैसेज है कि आपने खुद को रखा कि मैं इंतज़ार में रहता हूँ जो लोग आना चाहें वो आए और बड़ा खूबसूरत माशा गुलदस्ता सजा रहा इन सारे सत्ताईस अट्ठाईस दिनों में बेहतरीन हमारे पास पढ़ने वाले तशरीफ लाए तो क्रेडिट ये आपको भी जाता है कि आपने लाइन अप किया उनका माशा ठीक है ठीक है जी आनिम साहब आइग हम ब्रेक की तरफ अभी जाएँगे ठीक है जी कारी साहब ऑफ़ द रिकॉर्ड तो बड़ी बातें करनी है अभी आपसे लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अभी मुलाकात इतनी है जी तो, जी तो आपके आने का बहुत शुक्रिया कारी अहमद यार हकानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे थैंक यू वेरी मच जी और खैरियत से आप पहुंच गए हैं तो हम प्रोग्राम के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि आप खैरियत से वापस जाएँ भी इन शी आ, ले जी आ, अभी ट्रांसमिशन का आगाज हुआ है एक छोटा सा वक्फफा है उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं रमजान 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 रमजानी का हो गया सामान फिर रब कायाक मेहमान फिर रमजान 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 का हो गया सामान रब का या खास एक मेहमान फिर फ रमजान अवतार ट्रांसमिशन में ब्रेक के बाद आपके साथ हैं दो दोजिस मेहमान स्टूडियोस में हमें ज्वाइन कर चुके हैं तारुफ करवाता चलूँ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जैद लखवी साहब प्रोफेसर साहब अजीम इलमी और रूहानी खान वादे के चश्मो चराग मरूफ इस्लामिक स्कॉलर और रोशन दमाग प्रोफेसर हैं आप तलीमो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और पैगाम टेलीविजन की स्क्रीन पर पहले भी आप इन्हें कई बार देख चुके हैं आज खास तौर पर हमने इनसे गुजारिश की है कि तशरीफ़ लाएँ हमें अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाएँ आपके आने का बहुत शुक्रिया सर खुश आमदी कई सर आपके आने का बहुत शुक्रिया इनके साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी मुफसर है कुरान हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं इनको भी खुश आमदीद कहेंगे सर अलैक् वाली वर कैसे रात गए तक माशा मसरूफ़ियात रही अल्लाह कलाम होते रहे और सुबह गए और फिर नींद का भी कुछ मामला कम ही रहा तो कैसा भी फील करेंगे सोने का मौका मिल गया अच्छा तो माश ओ यस <laughs> ओके ओके ठीक है वो कंटिन्यूटी थोड़ी आज चेंज अच्छी और जब ऑफिस जाना होता है तो फिर जरा सूरत और होती है जी तो आज चूंकि इतवार की वजह से फिर सोने का मौका अच्छा मिल गया चले माशा माशा और वो मामला कुछ तबीयत की नासाजी के हवाले से वो भी अलहमद लाला आपको ज़िंदगी से दे जी आज हमें गुफ्तु करनी है नमाज के हवाले से तो सर मैं आपसे गुजारिश करूँगा पहले हम गुफ्तु का आगाज़ करें नमाज़ अहम रुकन है और नमाज के हवाले से अहकाम भी हैं मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आगाज़ में कुछ बताइए फिर आगे बढ़ते हैं बसमीम नमाज़ यकीन इस्लाम के पाँच जो बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक है लेकिन अगर मेरी नज़र में अल्लाह ताला के पाक कलाम की रोशनी में अगर हम इस बात को देखें तो अगर ये कहें कि ये नमाज़ जो है ये तखलीक इंसानियत का मकसद है तो ये भी ग़लत नहीं होगा वजह यह है कि अल्लाह ताला ने क़ुरान पाक में हुक्म इरशाद फरमाया मिनश शैतानिर रजीम या युहन्नासुदू रब्बुम्ल खलक़कुम ए लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक़ का मकसद भी यही इबादत फरमाया के मामा अखलतल मा ज्जन्नावल्लादूँ तो इबादत और बंदगी का सबसे बड़ा मजहर जो है एक मुसलमान के लिए और एक इंसान के लिए वो नमाज है जी तो जब बंदगी का सबसे बड़ा मजहर नमाज है तो इससे ये बात रिलेट होती है इन आयात मुबारक के साथ के जो इंसानियत की तख्लीक मकसद ही नमाज है तो इसकी अहमियत एक तो इस्लाम के बुनियादी पाँच उन अरकान में से एक है कि जिनमें से एक रुकन का इनकार भी दायरा इस्लाम से इंसान को ख़ारिज कर देता है दूसरा इसकी अहमियत को इस लिहाज से भी हम दे सकते हैं कि वो पाँच जो अरकान हैं इस्लाम के बुनियादी उनमें से भी एक बुनियादी रुकन है उन पाँचों में से भी एक बुनियादी रुकन है क्योंकि नबी सलाम ने अर्शाद फरमाया जब इस्लाम की तारीफ़ करते हुए कि जो इसका अमूद इसका सतून जो है अमूदलात कि दीन का सतून नमाज और इस सतून होने का क्या मतलब है ये आ, जो उमदातुल्कारी बुखारी शरीफ की शरह़ है उसमें अमामा बदरुद्दीन अली वो इसकी वजाहत इस तरह से फ़रमाते हैं कि ये जो नमाज है ये आ, इस तरह से असला तो ये मादुद्दीन नमाज दिन का सतून है कि मन अकामा फ़क्त अकामुद्दीन जी जिसने तो इसको कायम रखा उसने दीन को कायम रखा वमन हादमाहा फ़त हदाम दीन जिसने इसको गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया यानी बाकी अरकान भी हैं इस्लाम के उनकी अहमियत अपनी जगह पर है लेकिन नमाज एक ऐसा बुनियादी रुकन है यूँ समझें कि पूरी इस्लाम की बिल्डिंग इस नमाज के ऊपर खड़ी है नमाज है तो दीन है नमाज नहीं है तो दीन नहीं है और ये नमाज का जो मामला है सिर्फ इस्लाम में ही इसकी अहमियत नहीं है आ, कुरान पाक की ही मुख्तलि मकामा को अगर हम देखते हैं आयात को देखते हैं तो जब लुकमान हज़रत लकमान हज़रतमान जो है वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो वो अल्लाह तै फ़रमाते हैं को वो कहते है, या वो नहीं या ए मेरे बेटे आगाज़ इस बात से करते हैं कि अक्मसलात नमाज़ को कायम करना जब मूसा आसमाम से अल्लाह तै हम कलाम होते हैं कोहे तूर पर तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नी अनल्ला बेशक मैं अल्लाह हूँ और इन तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है ला ला अना मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है फाबुदनी तुम मेरी इबादत करो सलाता, तिक्री और नमाज़ को कायम करना मेरी याद के लिए ये जब अल्लाह ताला का की पहली मुलाकात होती है अल्लाह हम कलाम होते हैं सलाम से और पहला जो इबादत का जरिया जो अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि तुमने मेरी बंदगी करनी है और मेरी याद के लिए नमाज़ को कायम करना है ठीक तो ये सारे मकामा ये जाहिर करते हैं कि ये जो दीन इस्लाम जो आदम से लेकर नबीत वाम तक, तक तमाम बिया पर जो आया है उस हर दौर में ही ये दीन की बुनियाद रही है ठीक ठीक है इस पर मज़ीद डेफिनेटली आपसे भी गुफ्तु करेंगे डॉक्टर साहब हमारी गुफ्तु सुन रहे हैं डॉक्टर साहब की जाने में डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट दो मिनट हैं अभी मुझे ब्रेक पर जाने के लिए लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ यहाँ से करके जाएँ नबी मुकरम सल अल्लाह वसलम नमाज को किस कदर अहमियत दिया करते थे हमें यहाँ से भी थोड़ा सबक मिल जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए नबी पाक सल्ला वितनी अहमियत देते थे इस पर आ, बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है और बहुत सारी अदीस हैं और नबी करीम सल्ला ने फ़रमाया तोनी सलात इसे एक हदीस की ही वज़ात कर आ, करते जाएँ और इसके मफाम को समझते जाएँ और उसको अमली तत्वी देते जाएँ तो ये ही काफ़ी है नमाज की अहमियत समझने के लिए कि नबी पाक सल्हल फ़माते हैं कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है तो मैं इससे डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि नमाज की अहमियत जो है ना उसके हवाले से एक दो बातें हम समझ लें फिर उसको आगे बात चलती रहेगी देखें दीन इस्लाम डॉक्टर साहब फरमाया कि अरकान इस्लाम में से ये है अच्छा बुनियादी अरकान इस्लाम में से है लेकिन ये एक अजीब फरीजा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहला अमली फरीजा आयद होता है वो नमाज है इब्तदा नमाज से होती है जी यानी आपने कलमा पढ़ा कलमा पढ़ने के बाद आपने पहला अमली फरीजा कौन सा सर अंजाम देना नमाज नमाज से अच्छा इसकी अहमियत ये है कि ये आगाज़ में भी नमाज है और इंतहा भी नमाज है वाह का हत्या कल यकीन जब तक मौत आ जाए उस वक़्त तक अल्लाह की बंदगी करते रहो और अल्लाह की बंदगी का वलीन मसर जो है वो नमाज है लिहाजा इब्तदा भी नमाज है दीन की और इंतहा भी नमाज है फ़र्क सिर्फ इतना है कि इब्तदा में जब नमाज होती है तो पढ़नी मुश्किल लगती है और जब इंतहा होती है तो छोड़नी मुश्किल अल्लाह फट इसी खूबसूरत नोट के साथ मौजूद मेहमान मौजूद है डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली एक छोटा सा वक्फ है जी उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं हमारे साथ रहिएगा रमजान 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 रमजानी रत का हो गया सामान फिर रब काया खास एक मेहमान फिर रमजान 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 का हो गया सामान रब का या खास एक दफा फिर फैजान रमजान अवतार ट्रांसमिशन का, का आगाज करते हुए अपने मोजिस मेहमानों के बारे में आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जैद लखवी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लकवी साहब मौजूद हैं। गुफ्तु हम कर रहे हैं नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से सिलसिला जहाँ पर रुका था ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब की दोबारा चलूँगा सर नबी मुकरम अलैहि वसम नमाज को किस तरह अहमियत दिया करते थे उसके हवाले से बात कर रहे थे लेकिन आप नमाज की अदायगी की इंतहा बता रहे थे देखिए असल में इंतहा या इब्तदा की जो बात मैं कर रहा था वो उसका मतलब ये है कि जब इब्ता में इंसान को इस फरीज़े का एहसास नहीं होता और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन भी कायम नहीं होता और बड़ी मुश्किल लगती है नमाज पढ़नी और फिर पांच वक्त वक्त पे और पूरी शरात के साथ आदाब के साथ नमाज़ पढ़नी मुश्किल लगती है लेकिन ये मुश्किल बहुत ही थोड़ी मुश्किल है उस मुश्किल के मुकाबले में जो जब इंसान को नमाज की असल जो लजत आती है जी। और इंसान इसकी लजतों को पा जाता है तो फिर उस वक्त जो छोड़ना मुश्किल होती है और उस वक्त नमाज रह जाने से जितनी तकलीफ़ होती है वो शुरू वाली तकलीफ़ के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है और वो असल तकलीफ़ वो होती है जब इंसान की नमाज रह जाती है लिहाजा ये एक मुसलसल प्रोसेस है शुरू से लेकर आखिर तक यानी ऑन गोइंग प्रोसेस आप अगर नमाज़ को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे नमाज के साथ आप अपना ताल्लुक कायम करते जाएंगे, तो आपको नमाज के अंदर खुशु व कायम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ आपके मामूल का हिस्सा बनती जाएगी और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती जाएगी और आप कंफर्टेबल होते जाएंगे नमाज के साथ और फिर ये कम्फ़र्टेबलिटी जो है इसका लेवल इस कदर बढ़ेगा कि फिर ये चीज़ें यह आपको आ, नमाज न पढ़ने से करार नहीं आएगा और फिर आप बेकरारी महसूस करेंगे नमाज के बगैर और वो करते करते फिर वो तकलीफ़ में बदल जाती है कि अगर आपकी नमाज़ रह जाए तो वो तकलीफ़ में बदल जाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ दी हैं उन काफ़रों को जिनकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर की नमाज़ रह गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआएँ दी कि उनकी वजह से जो है हमारी असर की नमाज़ रह गई तो ये है वो क़ुर्र तोनी फ़िसत कि नमाज़ के अंदर मेरी आँखों की ठंडक है कि गोया फिर इंसान को सब कुछ नमाज महसूस होती है और अगर रह जाए तो फिर बहुत बड़ी बेकरारी और बेचैनी होती है और तकलीफ़ होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम के बारे में साहबा कराम एक बात बताते हैं कि आप अलैहि वसलम को कोई अहम मसला दरपेश होता था कोई भी मामला चाहे वो परेशानी वाला मामला हो चाहे वैसे अहमियत वाला मामला हो तो ईज़ा हाजा बहु अमर नबी पाक अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला दरपेश होता था सल्ला आप नमाज पढ़ना शुरू कर देते गोया नमाज से आपको चैन आता था ना नमाज से आपको कररार आता था नमाज से आपको इतमान आता था, था और नमाज के ज़रिए से ही अल्लाह की मदद आती है जो क़ुरान ने कहा कि वस्तयीन बब्र वसलात या लदीन आमनब्र वसलात नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद हासिल करो तो गोया मदद हासिल करने का भी ये ज़रिया है और अपनी तकलीफ़ दूर करने का भी यही यही जरिया है अपने मसाइल हल करने का भी यही जरिया है और नबी अक्रम सल्ला वलम ने नमाज़ के साथ हमें इसी तरह का ताल्लुक़ बताया है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है नमाज़ के साथ गुजर जाए ठीक है सर डेफिनेटली इस पर मुझे चंद एक चीज़ें जेन में आई हैं मैं, मैं आपसे ज़रूर उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करूँगा सर की जानबात हैं सर फरमाएगा कि सब कराम रज़ील्लाहम और सलफ़ साल की जो नमाज़ें वो किस तरह नमाज़ को अहमियत दिया करते थे और उनसे हमारे लिए क्या सबक़ है उनकी नमाजें किस तरह हुआ करती थी कि उन्होंने तो देखा नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की अदायगी के, के हवाले से उनसे तालीमत हासिल की फिर सीखते रहे तो बताइए इस बारे में भी कुछ नमाज जिस तरह से अल्लाह ताला ने और नबी आलामाम ने इसकी अहमियत बयान फरमाई सबा कराम रजमानल मजमाइन जो थे वो भी उसी तरह से ही इसकी अहमियत को समझते थे जी जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह उनकी रवायत है मुस्लिम शरीफ में भी है दीगर कुतुब में भी है वो फरमाते हैं कि मनसर्रा जिसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आयला मुस्लिम कि वो कल उसकी अपने अल्लाह से जब मुलाकात हो तो मुसलमान होते हुए हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी इन नमाज़ों की हिफाजत करें यानी वो इस बात में बिल्कुल वाज थे कि एक मुसलमान के मुसलमान होने के लिए उसका नमाज़ का पाबंद होना ज़रूरी है अदरवाइज़ ये कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं समझ सकता और ख़ुद भी जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि अपनी आखिरी अलालत में भी शदीद बीमारी में दो सहाबा के कंधों पर आप इस तरह से तशरीफ़ लाए कि आपके पाँव जो थे वो घिसट रहे थे ज़मीन के ऊपर और आपको ला कर बिठा दिया गया नमाज़ की अदायगी के लिए उस हालत में भी आपने नमाज को जो है वो कतन उसमें किसी तरह की सुस्ती या पीछे रहना नमाज़ से उसको पसंद नहीं फरमाया इसी तरह से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तुक को जब उन पर हमला हुआ उनको जख्मी कर दिया गया उस हालत में अभी वो कुछ दिन ज़ख्मी हालत में ज़िंदा रहे तो सुबह की नमाज़ के वक्त जागते हैं और जाग के नमाज के एहतमाम के लिए खुद भी यानी उसका अहतमाम करते हैं और साथ फरमाते हैं कि फ़ला हज़ा फिल इस्लाम कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है लिमन तारा का लिमन तारा का सलाता जिसने नमाज छोड़ दी यानी मैं जाऊँगा ज़रूर नमाज पढ़ूँगा क्योंकि जिस मदे ने नमाज छोड़ दी उसका तो नमाज़ में हिस्सा ही कोई नहीं है इसी तरह से ब्ला बिन उमर रजी अल्लाह तुम का भी कौल मरूफ़ मनखूल है कि उन्होंने फरमाया कि मन तारा का सलाता फ़लाँीन लहू जिसने नमाज़ को छोड़ दिया उसका कोई दिन नहीं है यानी उनका नुक़ः नज़र दिन जो नमाज के बारे में था हमारे असलाफ का वो ये था बल्कि अगर मैं आसर हाज़र में आ जाऊँ वालद ग्रामी मौलाना महीद्दीन लखवी रम्ला उनका और हमारा जो मामला था उनकी औलाद का क्योंकि वो सफ़रे तबलीग पर रहते थे अक्सर और एक दिन यानी बुध वाला दिन उनका घर में मुकर था मंगल की शाम तशरीफ़ लाते थे बुध वाले दिन ठहरते थे जो मैं रात को फिर सफ़र शुरू हो जाता था और दावर तबलीग का सफ़र था उनका माशा हम माशाला. आ, उनके जो औलाद थी दो घरों में थे दो उनकी बीवियाँ थीं और दोनों बीवियों में से टोटल उनके सात हम बेटे थे और नौ बेटियाँ थीं माशा इस फैमिली के सूरत हाल के बावजूद यानी हम में से किसी भी भाई को वाले साहब स्कूल दाखिल करवाने नहीं गए कभी उन्होंने स्कूल जाने का कहा नहीं कभी उन्होंने वापस आके घर ये पूछा नहीं कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते इन ज़िंदगी में यानी बड़ी परेशानी होती है एक फैमिली के सरबराह के लिए कि उसकी दो फैमिलियाँ पीछे हैं इतने बच्चे हैं छोटे छोटे हैं माएँ क्या करती होंगी बच्चों की तरबियत उनके मामलत बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं लेकिन वालद ग्रामीण जब तशरीफ़ लाते थे तो वालदा से भी अगर पूछते थे तो सिर्फ़ हमारी नमाज के बारे में कि इनकी नमाजों का क्या हाल है और सवाल नमाज का सिर्फ अच्छा। और हमसे भी कभी पूछा है और गु़स्सा किया है या नाराज़गी की है या ताक़ीद की है तो पांच वक्त नमाज की मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कभी और कुछ नहीं पूछा क्या करते हैं क्या खेलते हैं क्या स्कूल का रिजल्ट रहा क्या रहा है पास हुए फेल हुए कुछ नहीं सिर्फ नमाज एक ही सवाल हो एक ही सवाल अब ये समझ आती है कि यही तो एक बुनियाद है कि जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है उसको फिर वो इन शाला न तो अल्लाह ताली उसको ज़ाया करते हैं कभी और उसकी सोच भी दुरुस्त रहती है उसका किरदार भी दुरुस्त रहता है फिर आपको उसके हवाले से कभी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत ये है वो तसवर हमारे बुज़ुर्गों का और असलाफ का जो नमाज के बारे में था और मैं बिल्कुल अभी भी यानी अपनी औलाद के हवाले से भी मुझे अगर मैं फिर उसी बुनियाद पर अगर परेशान होता हूँ तो नमाज़ की वजह से ज़रूर होता हूँ बाकी मामलों में उतनी परेशानी नहीं होती कि इन शाला अगर नमाजी हैं पाँच वक्त के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ है तो इन बाकी सारे मामला की अल्लाह ताला इस मैं यहाँ पे थोड़ी देर जी प्लीज़ प्लीज़ फरमाइएगा फरमाइए कंप्लीट कीजिए आप कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं मैं असल में एक बात ऐड जी जी लगा था वाले साहब का इन्होंने बताया तो वाले साहब की एक और बात मैं साथ ऐड कर दूँ कि हम कभी वाले साहब से मशवरा लेते थे ना मसला मैट्रिक कर लिया है तो अब जी अब हम कहाँ दाखिला लें इंजीनियरिंग में दाखिला लें प्री इंजीनियरिंग में प्री मेडिकल में क्या करें बस कोई भी मशवरा किसी मौके का तो वाल साहब की आदत थी कि वो चुप करके सुनते रहते थे हम उनकी बात हम बात करते रहते कि हम ये कर लें हम वो कर लें सारे ऑप्शन हम डिस्कस करते तो वो सुनते रहते थे चुप करके और फिर सारी बात सुनने के बाद वो आ बोलते थे वो कहते थे मेरा तो दिल कर है पंजाबी में कहते थे मेरा तो दिल करता है अपना सारे प्यो पुत्र मसीतड़ बन जाइए माय गॉड यानी हम मशवरा कर रहे हैं पूरी इंजीनियरिंग दुनिया ले रहे हैं हम क्या, क्या, क्या मतलब मुख्तलिफ़ हमारे दुनिया। बड़े बड़े गोल्स हैं और किसी चीज़ के बारे में हम मदरसे जाना है कॉलेज जाना है यूनिवर्सिटी जाना है क्या करना है वो मुख्तलिफ मसाइल हमारे डिस्कस हो रहे हैं और उस उनके मद्दनज़र सिर्फ ये कि मेरा ये दिल करता है कि हमारा मस्जिदों से ताल्लुक़ हो हम मेरा त दिल करता है कि आप सारे पे पुत्र मसीतड़ बन जाइए ये एक बड़ा स्पेसिफिक उनका जुमला था और मैं ये समझता हूँ कि ये वो सिर्फ़ ख़्वाहिश ही नहीं करते थे वो अल्लाह से दुआ भी करते थे और के सारे अब हम ये देखते हैं कि वाले साहब की जितनी भी औलाद है उनका सबका किसी न किसी तौर तो मस्जिद के साथ अलहमद ला और, है, और ये मैं कहता हूँ कि उनकी दुआ थी और उनकी ख्वाहिश थी और अल्लाह तला ने पूरी भी की है और वो किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं करते थे किसी और चीज़ का मशवरा नहीं देते थे बस यही कि मेरा तो दिल कर दा अपना सारे प्य पुत्र मसीतर बन गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी औलाद का हम सारे बहन भाई हमारा मस्जिदों के साथ ताल्लुक है और कई दिन ऐसे आते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है जुमे का दिन आता है हम सारे भाई किसी न किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे होते हैं हो ईद आती है हम सारे भाई किसी न किसी जगह ईद पढ़ा रहे होते हैं तो सब का अलहमदिल्ला मस्जिदों से ताल्लुक़ है और मैं नहीं समझता हमारे जो हाल थी एक वालिद जो है वो हफ्ते के सारे दिन घर से बाहर रहता हो और सिर्फ एक दिन जो है वो घर आता हो हफ्ते में और वो भी आके उसने बच्चों के कैरियर का नहीं पूछना बच्चों के स्कूल का नहीं पूछना बच्चों के मदरसे का नहीं पूछना कुछ भी नहीं पूछना तो औलाद के जाया होने के सौ फीसद चांसेस थे तो किस चीज़ ने बचाया ये मस्जिद का ताल्लुक जो है और वो जो नमाज के साथ ताल्लुक था और इस बात पर यकीन था कि मस्जिद के साथ और नमाज के साथ जब इनका ताल्लुक रहेगा तो ये कभी ज़ाया नहीं होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें ज़ाया होने से बचाया माशाल्लाह माशाल्लाह इस नशियात की एक खसूसी बात जो बड़ी खसूस बात है कि दो भाई दो सगे भाई मौजूद हैं दो ऐसे भाई मौजूद हैं जो माशाल्लाह दीन के रास्ते पर हैं और ना सिर्फ़ ये दो भाई बल्कि मुझे आज पता चला आज गुफ्तु में पहली दफ़ा ये बात सामने कि माशाल्लाह पांचों दूसरे भाई भी वो सारे मसा, मसाजिद के साथ दीन के साथ अल्लाह की राह के साथ वाबस्ता हैं तो ये अल्लाह ताला की शान है मैं जो क्वेश्चन करने लगा था बल्कि डॉक्टर साहब वक्त तो ये मैं आपसे करूँगा क्वेश्चन जैसे वाल साहब की बात पर आपने फौरी तौर पर अपने आप को कुछ कंट्रोल भी किया कैफियात भी बदलती हैं आपको यकीन वो टाइम याद आ गया होगा कि जब आप अपनी मीटिंग्स करते होंगे मुझे दुनिया की ये डिग्री लेनी है मुझे प्रोफेशनली ये बनना है मैं ये करना चाहता हूँ और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि मस्जिद में जाओगे मुझे ये बताओ नमाज़ पढ़ी है मुझे ये बताओ कि तुमने ये दीन का काम जिस पर मैंने ज़िम्मेदारी आयद की है तुमने आज आपको क्या लगता है कि जो उनका सबक था वो आपने पढ़ लिया ना सिर्फ पढ़ा बल्कि याद किया और याद करके जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी उस पर अमल भी हो रहा है देखिए ये ना हमने को प्लानिंग के साथ उनकी ख्वाहिश अमल करने की कोई मनसूबा बंदी की है कि हमने उनकी ख़्वाहिश अमल करना है और ना ही कुछ इस तरह से हुआ है कि हमने कुछ सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का कैरियर सेट किया हो मैं कम से कम अपने तौर पर मेरे भाइयों ने सोचा हो समझा हो और अपना कैरियर सेट किया हो तो हो सकता है उनकी अपनी प्लानिंग हो मैं तो जाती तौर पर अपनी कोई प्लानिंग नहीं समझता कि मेरी प्लानिंग का मेरे कैरियर के अंदर ज़र्रा भर हिस्सा नहीं है बाज़ बुलंद कहते हैं और बिल्कुल मैं क्लियर समझता हूँ और वो जो हज़रत अली रजी अल्लाह का कौल है जी। कि आरफ़ तो रबी बेफ़िल आज़ायम के मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना तो ये अल्लाह की प्लानिंग होती है ये हर शख्स के साथ इस तरह से होता होगा लेकिन एहसास किसी किसी को होता है जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह को एहसास हो गया तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी प्लानिंग अल्लाह की है मैं कम कम अज़ कम अपनी जाती काविश का इसमें कोई दखल नहीं समझता इतना ज़रूर समझता हूँ कि जिस काम पे अल्लाह ने लगाया है बस मैंने उसमें मेहनत की है जो जिस काम पे लग गया बस मैं मेहनत करता रहा लेकिन प्लानिंग सारी मेरे अल्लाह की है और मेरे अल्लाह ने मुझे जो कुछ मैं हूँ अल्लाह ने बनाया है और दीन का शौर मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था कि मेरे पास जितना दीन का शूर है मैंने अलहमदिल्ल नबे फ़ीसद अपने वाले साहब से लिया है ला, माशा ला, थीक, थीक. अगर थोड़ी सी इजाज़त दें प्लीज़ फरमाइए इस मौके पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने नाजरीन कराम के लिए कि अक्सर वालदे शिकायत करते हैं बच्चे कहना नहीं मानते औलादों के हवाले से परेशान रहते हैं मैं डेली ये क्वेश्चन लेता हूँ जिला अक्सर मतलब ये मामला होता है मैं ई तौर पर मुझे यकीन है कुरान सनत की रोशनी में और मैं तो वालदान को ये कहता होता हूँ कि आप सिर्फ़ अपनी औलाद को पंजगाना नमाज का पबंद बना दें उनको नमाज समझा दें नमाज सिखा दें और वो पाँच वक्त के नमाजी बन जाएं तो इन और बिल्कुल उसमें फिर जो इशू होता है सब सबसे पहले इशू ये होता है कि वालदे ख़ुद नमाजी नहीं होते की फैक्टर है ये जी ठीक कह है रहे हैं उनसे फिर मेरी गुजारिश ये होती है कि सबसे पहले तो ख़ुद पांच वक्त की नमाज को कायम करें जब आप अल्लाह का कहना नहीं मानेंगे तो औलाद भी आपका कहना नहीं मानेंगे जब अल्लाह तला की तरफ से किया हुआ सबसे बड़ा फ़र्ज आप उसको नज़रअंदाज़ करेंगे तो औलाद आपकी तरफ़ से किए गए उनके ऊपर जो फ़रज़ हैं उनको भी नज़रअंदाज करेगी सबसे पहले तो ख़ुद पाँच वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएँगे उसके असर आपकी औलाद की सोच और किरदार के ऊपर भी इन होंगे और औलाद आपकी भी फोरदार और ताबेदार बन जाएगी और फिर औलाद का भी दुनिया और आखरत का कैरियर संवारने के लिए उनको सिर्फ पाँच वक्त का आप नमाजी बना दें पाबंद बना दें और उनके दिल में नमाज़ की अहमियत बिठा दें तो इन श्ला उनकी दुनिया भी सवर जाएगी और आख़रत भी ये मेरा मैं पैगाम देना चाह रहा था इस आपकी वसात से अल्लाह तला करे कि हम अपनी औलादों की इस नहज पर तरबियत करें तो इन श्ला हमारी औलादों की दुनिया भी सवर सकती है और आखरत भी इस, इस, आँग इस, आँग इस, आँग जी इसको आप ना इस कुरानी जुबान में भी ये जो साहब कह रहे हैं ना कुरान ने भी इसी बात को दो टूल दिए कुरान ने एक नमाज है इन तनहा इससे बड़ी सेंसरशिप कोई नहीं है Oh, आप oh, जो न आप, yes. आप सेंसरशिप लगा ही नहीं सकते आप बच्चों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते जिस तरह का माहौल बन गया है और जिस तरह के हालात बन गए हैं आप बच्चों को कोई सेंसरशिप नहीं लगा सकते कुरान कहते हैं इन तनहा अनिल्फा हशाय वल मुनकर इससे बड़ी सेंसरशिप कोई नहीं आप उनको नमाज पे लगाएं बेहयाई और बुराई से रोकना का नमाज का काम है आप उनको नमाज पे लगाएं फिर दूसरी चीज़ है कुरान इन कुरान यहदी लिल्लती हदील्लही कि ये कुरान है जो सीधे रस्ते पर ले जाता है लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को नमाज पर लगा दें और कुरान सोच समझ कर पढ़ने का आदि बना दें तो आप बेफिक्र हो जाए बच्चे कभी गुमराह नहीं हो सकते बहुत खूबसूरत बात की मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी शायद आप दोनों साहिबान ने भी देखी हो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के कोई ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती होगी आ जाए नमाज की तरफ आपने गुनाह कर दिया आ जाए नमाज़ की तरफ आपने झूठ बोल दिया आ जाए नमाज़ की तरफ आपको लगता है कि मैंने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी मैं अब भी ना पढ़ूँ आपका दिल करना आप आ जाए यानी उन्होंने कहा कि हर काम ऐसा काम कि जिसके बाद आपको लगे कि यार मैं आप नमाज पढ़ें जुड़ें नमाज के साथ तो सर ये आपने वही बात की कि जब नमाज से नसल जुड़ेगी तो फिर नस्ल की आब्यारी में जब वो चीजें आएंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें और बरकतें भी आएंगी इस पर डेफिनेटली मजीद भी बात करेंगे जी एक छोटा सा वक्फ है उसके बाद दोबारा हासिल हो रही रमजान 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 का हो गया सामान फिर रब का या ख़ास मेहमान फिर रमजान 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 मगफिरत का हो गया सामान फिर रब काया ख़ास एक मेहमान फिर नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से बात हो रही है इसके ट्रू एसेंस को पाने के हवाले से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं मौसस मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जैद लखवी साहब और एक जिम्मेदारी है जो अभी सर अंजाम देनी है मज़ीद वो है आज की किताब के हवाले से जिसके बारे में बताने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना नमान फारूकी साहब इसकाल हैं मुसनफ़ हैं इनको भी अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे सर असल खैरियत सर आज की किताब है रसूल करीम सल अल्ला के दो सौ सुनहरे इर्शादात इसके हवाले से बताइए आज जी ये किताब जो है ये मौलाना मालिक मुजाहिद साहब की तस्नीफ़ है और बड़ी मोहब्बत से इसकी एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जैसे नबी करीम के इरशादात आलिया बड़े कीमती और बड़े नादिर हैं तो इसी तरह किताब की जो तबात है उस पर भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया अगर आप इसके एक एक वर्क पे देखें तो उसकी डिजाइनिंग है और सारा कुछ यानी लोगों के अंदर ये जोक पैदा करने के लिए कि वो हदीस रसूल सल्लम से आशना हो अपनी नस्लों को आशना करें तो इसमें दो सौ ऐसी हदीस हैं जिनका ताल्लुक़ जो है ना हमारी इबादत से भी है माशरत से भी है तजारत अकाम मसायल इन से भी है यानी एक ऐसा मजमू है जिसको पढ़ के तकरीबन आप बहुत सी जो हमारे पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के उससे आशनाई हासिल कर लेते हैं कि नबी करीम की इस हवाले से क्या तलीमत हैं और आपने क्या इर्शाद फरमाया इस मौके पर और हकीकत यह है कि ये इतनी सी किताब ये हमारे निसाब के किसी हिस्से में शामिल होनी चाहिए ताकि लोग हदीस रसूल से आशनाओं फिर ख़ूबी ये है कि हरीस का हवाला मौजूद है और तर्जमा इंतहाई सलीस है यानी आप किसी भी हदीस को पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ईज़िली आप समझ जाते हैं कि इसका क्या मफहम है और क्या हदीस बताना चाह रही है तो ये हदीस मुबारक की एक ऐसी ख़िदमत है जो इस दौर के तकाजों के मुताबिक बहुत अहमियत रखती है और हमें इसको प्रोमोट करना चाहिए इसको फैलाना चाहिए हदीस को फैलाना ऐसे समझें अपने आप को ताजगी फ्राहम करना है नज़र अल्लामरान सामिया मन्ना शैन फव सामिया तो ये ऐसे तहरीरी शक्ल में आगे पहुँचाना ठीक है।, है आज की किताब रसूल करीम सलील वाल वसल्लम के 200 सौ सुनहर इर्शादात ये भी मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए और हमें इसे पढ़ना चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए नमान साहब थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर साहब आपकी जानब आऊँगा गुफ्तु चल निकली थी कि एक तो नमाज़ के हवाले से कहा जा रहा था वालदान की जानब से कि नमाज पढ़ें फिर नमाज़ पढ़ने का आपको बाकायदा अमली नमूना सामने आए कि आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की मैं चाहूँगा प्रैक्टिकली जब ज़िंदगी में इसको शामिल करते हैं इसके असरात जो हम पे आते हैं इस पर भी रोशनी डालिए नमाज़ जो है ये आ, दो तरह से असरात हमारी ज़िंदगी के हवाले से रखती है एक इनफरादी इंसान के ऊपर उसके असरात हैं एक इज्तमाही हवाले से माशरे के ऊपर भी इसके असरा हैं तो असल में जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये नमाज़ क्योंकि बुनियादी तौर पर है ही अल्लाह का ज़िक्र जी जी इस तरह से मूल को भी अल्लाह फरमाया कि मेरे जिक्र के लिए मेरी याद के लिए नमाज़ को कायम करो ये अल्लाह की याद है और जो अल्लाह ताली की बंदगी का तकाजा ये है कि हम हर वक्त उस मालिक को याद भी रखें और उसके सामने झुक के रहें उसके साथ ताल्लुक़ को कायम रखें जब कोई बंदा इस तरह से अल्लाह को हर वक्त याद रखता है तो उस अल्लाह ताला की ज़ात के याद रहने के उसके ऊपर असरात होते हैं क्योंकि जो मस्जिदों को आबाद रखने वालों के हवाले से जो अल्लाह ताला ने फरमाया एर्षात फ़रमायाबा शैतानवली ही हिम तजारत वला बया उन अन यानी उनको गाफ़िल नहीं करती है ना उनका कोई कारोबार ना उनकी तजारत अल्लाह के जिक्र से विकाम सलात और नमाज को कायम करने से तो अल्लाह के बन्दे जो होते हैं वो हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं जब अल्लाह की ज़ात जो इतनी अज़मत वाली और कुदरतों वाली ज़ात है उसकी सिफ़ात पर इंसान को जब यकीन भी होता है इस कैफियत में जब इंसान पाँच वक्त अल्लाह के सामने हाज़िरी देता है तो उसकी सोच और उसका अमल दोनों का दुरुस्त होना एक लाजमी अमर है इसी वजह से अल्लाह ताली ने इरशाद फरमाया इशात फरमायाबल अब्न शातवीमलात तनहा मुनकर शाहमनकर पीछे हुक्म है कि आख़िम सलात नमाज को कायम करो क्योंकि नमाज़ जो है ये मना करती है रोकती है बेहयाई से भी और बुराई के कामों से और इससे अगले जो हैं वो ये जाहिर करते हैं कि उसका सबब क्या है कि वाला जिक्राल्ला अकबर और अल्लाह का जो, जो जिक्र है अल्लाह की याद है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है तो ये जो नमाज है असल में ये अल्लाह की याद है अब इससे जो अल्लाह ताली की ज़ात के वजूद का जो एहसास है वो इंसान के सोच के ऊपर पुख्ता होता है अब ये समझ लें जैसे कि एक चोर है उसे पता है पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसके हवाले से कि उसका इख्तियार क्या है पुलिस इंस्पेक्टर का जी इसके मामले के साथ उसका कंसर्न क्या है अगर चोर को पता हो कि मैं जब वो चोरी करने लगा है कि पुलिस इंस्पे, इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद है और उसे देख रहा है जी तो क्या ख्याल है उसकी कैफियत क्या होगी वो यकसुई के साथ अपना वो चोरी का काम कर पाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता जब उसके वजूद का भी उसको यकीन हो और उसकी अथॉरिटी का भी पता हो और उसकी सज़ा का भी पता हो सजा... कि मैं पकड़ा गया तो अब तो ये हो जाए तो ये सबब है दरअसल कि अल्लाह की याद एक ऐसा बड़ा अमल है ऐसी बड़ी चीज़ है कि वो इंसान को जब याद अल्लाह रहता है पाँच वक्त नमाज के ज़रिए से उसकी सोच और उसका अमल दोनों दुरुस्त होते हैं वो बेहयाई और बुराई के कामों से इंसान को रोक देती है और दूसरी तरफ ये भी ज़रूर है कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज हमें नहीं रोकती बुराई के कामों से या बेहे के कामों से उसका मतलब है कि हमारी नमाज की असलाह होने की ज़रूरत है उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है अबतः जो अल्लाह तला का हुक्म है ये बिल्कुल दुरुस्त है तो ये नमाज जब एक, एक इंसान जो लोग जिस मुआरे के अफराद अब मुशर जो है उसकी इकाई एक इंसान है अब जब उस माशरे के अफराज़ जो अल्लाह को याद रख के इस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि वो हर वक्त अल्लाह के वजूद को अपने ऊपर महसूस करें और उसकी असमतों और कुदरतों को उसकी सिफ़ात पर यकीन के साथ नमाज़ को कायम करते हों तो वो कैसी खूबसूरत आप मैं बल्कि सम एक्सपीरियंस किया है आप ध्यान देखिए कभी कि मस्जिद से निकलते हुए लोगों को देखिए चाहे कोई ऐसा बंदा है ना कि बिल्कुल अनपढ़ है उसके उसको नमाज के मान मफहम भी नहीं आता उसके चेहरे के ऊपर भी आपको इतमान और ताजगी नजर आएगी जब किसी माशरे के अफराद इस तरह से जुड़ जाएँ अल्लाह के साथ और पाँच वक्त नमाज अदा करें उनके कल भी इतमान और सुकून की कैफियत फिर उनकी अपनी जो मामला मौ, के अंदर उनके अल्फाज के अंदर जो है वो नापतोल और ठहराओ फिर उनके मामल के अंदर जो है वो अतदाल वो यकी वो नमाज कर हर जगह आपके के ऊपर अपना असर रखती है ठीक है और उस इंसान को भी खूबसूरत बनाती है जो नमाज को इख्तियार करता है और उस माशरे को भी खूबसूरत बना देती है जिस मुशरे के अफराद नमाज़ की पाबंदी करते हैं ठीक है सर मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी जैसे आप दोनों ने बताया था कि नमाज के साथ जुड़े अब मुझे बताइएगा वालिद का कहना था वो काफ़ी था कि नमाज के साथ आप जुड़ गए आपने कोशिश की जुड़े कैसे नमाज के साथ और हम कैसे नमाज के साथ जुड़ सकते हैं पाँच दफ़ा आज़ान बाकायदा हम सुनते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम कहते हैं ठीक है हम आ रहे हैं एक दौर ऐसा भी गुजरा जिंदगी में मैं अपने यानी ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन रूटीन में मस्जिद की तरफ जाना नहीं होता कि जाते हुए दो शख्स गए हैं तो उन्होंने कहा कि आए नमाज का टाइम जी आप चलिए मैं आ रहा हूँ और हम नहीं जाते तो फरमाइएगा सर इस बारे में क्या कहते हैं आप देखें बात यह है कि नमाज का आदत डालने के लिए आपको पूरे ब्रॉटअप से लेके आना पड़ता है ऐसे नहीं है कि एकदम आप किसी को नमाज पढ़ाएंगे और वो नमाज़ी पढ़ेंगे पढ़ने लग जाएगा और वो पढ़ने लग जाएगा इस तरह नहीं होता जी तो बचपन से लेकर इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्यूंगा। बाकी हर फरीज़ा जो है वो तो बाल होने पर उसका वो आयद हुआ हर फर्ज़ जो है बाल होने पर आयद हुआ लेकिन नमाज जो है वो सात साल की उम्र परायद हो गई और नबी करीम सल्ला वसलम ने फ़रमाया बच्चा जब सात साल का हो तो उसको नमाज के लिए कहो को, मुरू औलाद औलादाकुम उसको हुक्म दो कि वो नमाज पढ़े और जब वो दस साल का होकर नमाज़ नहीं पढ़ता तो फिर उनके ऊपर सख्ती भी करो सख्ती के साथ उसको साथ लेके जाओ तो ये सात साल से फिर दस साल से यानी उस सख्ती करनी है वो मुक़ल्लफ़ तो होगा बाले होने के बाद ही लेकिन ये उसको आदत डालनी है बचपन से लेकर और जब यह आदत पड़ जाएगी और बचपन से वो नमाज़ का आदि बन जाएगा बच्चों को आप मस्जिद में लाएँ और मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों को नमाजी बनाने का तरीक़ा ये होता है कि बच्चों का ताल्लुक मस्जिद के साथ बन जाए लिहाजा जिन लोगों के घर मस्जिदों के साथ हैं वो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं है जिन लोगों के घर मस्जिदों के साथ हैं

इतनी टोटल बस्ती थी कि इस वक्त जो मस्जिद नबी का सहन है ये कुल मिला के ये इतनी बस्ती थी पूरी और उसमें मस्जिद नबी मौजूद थी और लोग जो हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के सल्थ साथ नमाज़ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे इसके बावजूद नबी पाक अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अपने अपने महल्ले के अंदर मस्जिद बनाए जी ताकि सबको करीब करीब मस्जिद मुयसर हो जब मस्जिद करीब करीब मयसर होगी तो उसका इम्पेक्ट और होता है आपके औलादे साथ लेकिन हम मैं मैं अपनी बात करूँ जी हमें बचपन में जो घर मयसर आया जो वाली साहब ने घर बनाया हुआ था मस्जिद थी साथ और साथ घर था और घर इस तरह से बनाया था कि हमें मस्जिद जाने के लिए गली में नहीं जाना पड़ता था मस्जिद के अंदर दरवाजा घर की तरफ खुलता था ओ, अच्छा हाँ जी घर के अंदर से दरवाजा आप जा सकते थे हाँ अब भी हमारा जो गांव वाला घर है अब जी भी अगरच उसकी हैत चेंज हो गई लेकिन अब भी मस्जिद के साथ उसका कनेक्शन मौजूद मुँँ है अच्छा। लिहाजा हमारे घर से मस्जिद की तरफ दरवाज़ा जाता था तो हमने जब मस्जिद को जाना होता था तो हमें गली में बाहर निकल के नहीं जाना पड़ता था हम घर से ही मस्जिद चले जाते थे मस्जिद से घर आ जाते थे मेहमान आते थे वाले साहब के और मेहमानों की खिदमत करना हम सारे बच्चों की ड्यूटी होती थी पानी पिलाना है खाना खिलाना है बिस्तर देना है और वो हर वक्त मस्जिद में आना जाना और नमाज पढ़नी है फिर मस्जिद में अजान देना ये तो हम तो इतने शौक से भाग भाग के जाते थे आज मैंने अजान देनी है और दूसरा कहता अच्छा, था मैंने अजान देनी है तो ये नहीं बचपन से ही आदत बल्कि हमने तो अगर उससे भी पीछे हम ज़्यादा बचपन की बात करूँ तो हमने खेला भी मस्जिद में है हम मस्जिद में खेला करते थे और मुझे अब भी याद है कि जब ये नौ दस बजे का वक्त होता है जब मस्जिद बिल्कुल खाली होती है चिड़ियाँ पकड़ा करते थे मस्जिद सख्ती नहीं हुआ करती थी उस वक्त सख्ती सक, क्या मस्जिद हमारी अपनी थी और मस्जिद में कोई यानी हम खेलते भी मस्जिद में ही थे यानी उसका मतलब ये नहीं कि नमाज के वक्त में खेलते थे जो नमाज के अलावा औक़ात हैं हमें मस्जिद ही मुयसर आती थी तो यूं आप जब मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको एक वो ताल्लुक बनता है अल्लाह करे कि वो बन जाए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया था कि जिस शख्स का दिल मस्जिद के साथ रहता है ना, कि कहीं भी हो उसका दिल मस्जिद से लगा रहता है बिल पाक ने उन लोगों में से है जिनको क्यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श का साब होगा और जिस दिन के अलावा कोई सा तो लोगों में से ये शख्स भी होगा जिसका दिल जो है हर वक्त मस्जिद, तो का तो का हाँ। तो मस्जिद बचपन से मिल गई तो बचपन मिल से गई। मिली है अब नहीं मिली अब हम जिन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं और जिस जगह पे जाहिर है कि कुरान दाजी के जरिए से प्लाट निकला है जी वो कहाँ फलां जगह पे और फला जगह पे आपकी लोकेशन ये आई है अब मस्जिदों के साथ हम मस्जिदों से दूर हैं मैं महरूमी समझता हूँ अपनी औलादों के लिए जब हम मस्जिद से दूर होते हैं तो मस्जिद जो करीब जितनी करीब होगी ये उतनी ही औलाद के लिए खुशकिस्मती है वालदेन के लिए भी खुशकिस्मती है कि वो बच्चों को मस्जिद के साथ मोहब्बत पैदा कर ले और जिस बच्चे की मोहब्बत बचपन बच्च, में बच मस्जिद के साथ पैदा हो गई अब ये समझेंगे ये लॉन्ग लास्टिंग है ये चलेगी लेकिन ये जो बड़े हो के आप किसी को कहें कि वो मस्जिद में जाए उसको तो मौत पड़ती है मस्जिद में जाने तो की राटअप राटअप में बहुत ज़रूरी है नमान साहब हमारी गुफ्तगु सुन रहे हैं और बड़े आराम से सुन रहे हैं अच्छा मज़े की बात यह कि अभी वैसे बड़ी धीमी शख्सियत है इनकी और बड़ा धीमा सा बोलते हैं अभी मस्जिद की जो कुछ आवाज़ आ रही थी हमें चूँकि मस्जिद का जिक्र बड़े माशाल्लाह हाई पिच पे बोल रहे थे वो कुछ गुफ्तु ऐसी थी क्या था नुमान साहब जी असल में वो बात ये थी मैं धीमे लहजे में ही गुफ्तगु करता हूँ लेकिन हमने तो यही देखा है लेकिन जी, अभी जी। हम कह रहे थे कि में असल में ऐसा है कि आज जो उम्मत मुस्लिम के नौजवान हैं वो यही बात कि मस्जिद से दूर होने की वजह से दीन कुरान सुन्नत से दूर होने की वजह से इलाहा का शिकार हो रहे हैं यानी इस्लाम को छोड़ रहे हैं अल्लाह पे यकीन नहीं रहा और दूसरे मजाहब इख्तियार उन्हीं की सोच तहजीब उनका कल्चर वो इख्तियार करने में फ़ख्र महसूस करते हैं और जो दीन इख्तियार करता है या दीनी वज़ाक़ा इख्तियार करता है उसे नीचा समझते हैं तो ये बातें फिर ज़ाहिर है थोड़ी सी एक बलवला अंगेज़ होती हैं इससे एक जोश भी आता है कि समझाया जाए अच्छा इस इसी पहलू से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आपने जो बात की थोड़ी सी जी जी आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मस्जिद के करीब घर ना हो इसमें मेरा ख्याल है अहले मस्जिद का भी थोड़ा सा किरदार है मैं जहाँ पे जुम्मा बढ़ाता हूँ ना मैं आपको बताऊँ कि लोगों की सोच कैसी है जी जी आ, वो मुझे कहने लगे हमसाएँ मस्जिद के वो ना मेरा बड़ा ही अदब एहतराम करते हैं मस्जिद में नहीं आते ख़ास लेकिन अदब एहतराम और बड़ा मिलने में क्यों उसकी एक वजह है पीछे कहते हैं कि आपने आज तक अपनी गाड़ी या या बाइक किसी के सामने खड़ी नहीं की यानी किसी घर के सामने या अच्छा जो लोग मस्जिद से दूर होते हैं ना उसकी एक वजह ये होती है कि वहाँ पे रश होगा जाहिर है तो अगर मस्जिद वाले ये पूरा इंतज़ाम करें कि हमारी पार्किंग की हदूद ये होंगी ऐसे होगा दूसरा अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत अच्छा करें कई मसाजिद ऐसी हैं कि वहाँ पर ना दिन को ना रात को ना चहन ना सुकून और फिर वो बहुत बुलंद आवाज होती है तो इस वजह से वहाँ के लोग परेशान भी होते हैं यानी एक ये पहलू भी हमारा काबिल गौर है कि अगर हम मसाजिद को बड़ा मुनज़म रखें बड़ी प्यारी सी अज़ान वो कहते हैं ना में मोजनों की वो लुत्फ व वदीयत जो ब्रह्मन के दिल से नाकूस को भुला दे, भुला दे। ऐसी अजाने हों प्यारी सी और प्यारा सा और आ, महदूद हो यह नहीं कि आप पूरी पूरी रात कई लोग बीमार होते हैं फ़ोन आ रहे हैं वो जी अभी अजान हो रही है नहीं वो फिर अज़ान के ख़िलाफ़ कोई बात कर देते हैं कोई ऐसा तो इस वजह से हमें अहल मसाजिद का जो किरदार है इसको भी ज़रूर हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि हम लोगों के करीब आने का बायस बने मसाजिद से लोग जुड़ें और उसके लिए जो हमारे अंदर कमी है अहल मसाजिद के अंदर उसको भी वो दूर करना चाहिए ठीक है प्रॉपर जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी लंबी डिबेट है, जाएली दोनों साइडों से चीजें हमें देखने की जरूरत है।, है।, है जी इसमें मजीद भी बात करेंगे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अभी एक वक्फा है उसके बाद दोबारा हाजिर रमजान रमजान हो गया सामान फिर